9 नवंबर 2018 दिवाली का टाइम था एंड हमने शिमला मनाली जाने का प्लान बना लिया था। बाई ट्रेन हम अम्बाला कांट रेलवे स्टेशन पहुंचे एंड वहां से गए चंडीगढ़, सुखना लेक गए, रॉक गार्डन गए। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में शिमला के लिए निकले। रास्ते में फोटोज क्लिक करते हुए हम शिमला पहुंचे। दोपहर के 2 बजे हम शिमला पहुंच गए थे। वहां से सीधा हम कुफरी गए। शिमला का ये छोटा सा हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर है एंड ठंड भी उतनी ही ज़्यादा थी। कुफरी से लौटते टाइम अंधेरा हो चुका था और सीधा हम जाके होटल में चेक इन किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मनाली के लिए निकले। पहाड़ी इलाका है तो मनाली पहुंचते भी हमें रात हो गई थी। अंधेरा होने के कारण आसपास का नज़ारा कैसा है वो पता नहीं चल रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरे होटल बैल्कनी से ये कुछ ऐसा नज़ारा था। माउंटेन्स, ऊंचे पाइन ट्रीज, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। ब्रेकफास्ट करके हम लोकल साइट सीन के लिए निकले। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले हम गए वशिष्ठ टेम्पल जहाँ पे गर्म पानी के कुंड भी थे। फिर वहाँ से निकल के हम गए हिम वैली, वहाँ पे कुछ कल्चरल डांस देखा, इंडोर गेम्स एक्टिविटीज थी और हमारा दिन हमने वहाँ पे ऐसे स्पेंड किया। नेक्स्ट डे हम गुलाबा वैली जाने वाले थे। मैंने मेरे रूम की बैल्कनी से देखा कि ऊपर माउंटेन पे स्नोफॉल हो रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा फॉग था और स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जब मुझे पता चला दैट इट्स स्नोइंग, आई वॉज लाइक वाओ, स्नोफॉल हो रहा है, आज तो मज़ा आएगा। हम निकले गुलाबा वैली जाने के लिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे ऐसे हमने देखा कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल बंद हो चुका था। बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर हुआ क्या, गुलाबा वैली से रिटर्न आने के लिए हम गाड़ी में जैसे ही बैठे देखा कि स्नोफॉल शुरू हो गया। वाओ, मैं और मेरी सिस्टर गाड़ी से बाहर उतरे एंड स्नोफॉल बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। इट वॉज माई फर्स्ट एवर स्नोफॉल एंड ट्रैफिक भी बहुत था बट मज़ा आ गया। फिर हम आए होटल पे, डिनर किया, सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठ के क्या देख रही हूँ, मेरी होटल बैल्कनी के बाहर का व्यू जो था वो कुछ ऐसा था। हमारे होटल के बाहर भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था, चारों तरफ स्नो स्नो स्नो। फिर हम निकले धर्मशाला जाने के लिए। धर्मशाला में हमने टी गार्डन विजिट किया, फिर हम गए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला से 120 किलोमीटर की जर्नी करके हम डेलहाउसी पहुंचे, होटल गए। होटल से ये कुछ ऐसा व्यू था, नेचुरल ब्यूटी, बहुत बहुत सुंदर थी ये जगह और ठंड भी काफ़ी थी। नेक्स्ट डे हम गए खजियार, अ वेरी फेमस हिल स्टेशन इन डेलहाउसी एंड इज सराउंडेड बाई सिडार फॉरेस्ट। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया हमने, फोटोज क्लिक करे, मज़ा किया और ये हंसी वाड़ियों का मज़ा लेकर हम निकले। डेलहाउसी से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पहलानी माता टेम्पल। ये माता जी का टेम्पल एक हिल के टॉप पे लोकेटेड है। 1.5 किलोमीटर आपको रिज लाइन वॉक करके आपको पहुंचना पड़ेगा एंड इसके रास्ते भी बहुत ही नैरो एंड डेंजरस थे। ट्रैकिंग करके हम वहाँ पे पहुँचे। इट वॉज वन टाइप ऑफ ट्रैकिंग। रिटर्न आए, नेक्स्ट डे हमें जाना था अमृतसर। मॉर्निंग में 6 o'clock अमृतसर के लिए निकले। अराउंड 12 o'clock हम गोल्डन टेम्पल पहुँचे। वहाँ से हम शाम को गए वाघा बॉर्डर एंड देन अमृतसर से हमारी रिटर्न में ट्रेन थी। तो ये था मेरा हिमाचल का एक्सपीरियंस। ओके, देन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।